एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल गया है, और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज हम फिर से लेके आए हैं इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक द सीक्रेट, जिसमें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के बारे में आज हम जानेंगे, जिसे जानकर हम अपने लाइफ में धन, दौलत, शोहरत, कामयाबी, खुशियां सब कुछ पा सकते हैं। इस किताब की लेखिका हैं रोंडा भाइन। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूं तो यह ब्रह्मांड हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करता है, यानी जैसा हम मन में सोचते हैं वैसी ही चीज इस ब्रह्मांड से हमारी ओर आकर्षित होती है। अगर हम अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो पैसा हमारी ओर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कोई नेगेटिव विचार अपने मन में लाएंगे तो फिर इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप मांग तो पैसा रहे हो, लेकिन आप सोच ऐसी रखते हो कि पैसे के साथ सारी बुराइयां भी आ जाती हैं, यह पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, फिर यह सीक्रेट कैसे काम करेगा? यह ब्रह्मांड हमेशा हमें देता है, यही इसका नियम है। यह हमें हर दिन सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, धन, दौलत, हर चीज देता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें इसे मांगने का तरीका नहीं आता। हम एक चीज चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स भी पाले हुए हैं। वही नेगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं, इसलिए यूनिवर्स में हमारी तरफ उस नेगेटिव चीज को भेज देते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस ब्रह्मांड से मांगना सीखें। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक चुंबक की तरह है, एक मैग्नेट की तरह है। वह जैसा सोचता है वैसी ही चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज को ही आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही आपकी ओर आएंगी। इसमें लेखिका ने एक और बहुत अच्छे नियम के बारे में बताया है, जिसमें वो बताती हैं कि जो नहीं शब्द है, जो नो वर्ड है, उसको जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता हूँ, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलना चाहता हूँ, जब हम हर वक्त कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं जो कि नेगेटिव से भरी हुई है, जहां पर हमेशा हम नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें लाइफ में भी ऐसी चीजें ही मिलती हैं। बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैं फेल नहीं होना चाहता, आप ये कहें कि मैं पास होना चाहता हूँ। बजाय इसके कि मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता हूँ, आप ये कहें कि मैं कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। बजाय इसके कि मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, आप ये कहें कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ और मैं इसे छोड़ सकता हूँ और मैं इसे छोड़ दूंगा। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आपने अपने जीवन में आकर्षित किया है और वो सब उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चीजें चल रही हैं, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी विचार आते हैं, हर विचार में एक चुंबकीय शक्तियां होती हैं और हर विचार की एक अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करती हैं, जिससे फिर आपके सोचे हुए विचार वो वस्तुएं बन जाती हैं जो आप कल्पना करते हैं। ऊंची इमारत से कोई भी गिरे, चाहे वह इंसान अच्छा हो या बुरा, वो सीधे जमीन पर ही गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब पे समान लागू होता है। वैसे ही आकर्षण का नियम भी सटीक और अचूक होता है। चाहे अच्छी हो या बुरी, जो भी चीजें या घटना आपके जीवन में है, उसे आपने ही आकर्षित किया है। चैप्टर 2, द सीक्रेट मेड सिंपल। लेखिका ने
सरल तरीके से समझाने के लिए अलादीन और उसके जिन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा अपने चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता था, फिर वह जिन से जो भी मांगता था जिन उसे दे देता था, इसी तरह से आप अलादीन हो और यह ब्रह्मांड आपका जिन है। आप उससे जो भी मांगोगे वह उसे आपको देगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ आदि जो भी मांग सकते हो आप। लेकिन इस रहस्य का पता ना होने के कारण हम जाने अनजाने हमेशा नेगेटिव चीजों को ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट्स को हमारी विशेष मान लेता है और हमारी तरफ भेज देता है, इसलिए हमारे साथ बहुत बार बहुत बुरी घटनाएं होती जाती हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वह बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहा था, लेकिन हो सकता है कि जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया हो तो कभी ना कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच लिया हो, उसकी कल्पना की हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह विचार बैठ गया हो। इसी तरह से हमें नहीं पता होता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किन नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर बैठा हुआ है। इसलिए आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी चीजें आपके जीवन में हैं उसे आपने ही आकर्षित किया है, इसलिए जीवन में अपनी मनचाही चीजों और खुशियां पाने के लिए आपको सही विचार अपने मन के अंदर लाना होगा और उसकी सही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। पर दिमाग में तो दिन भर में करीब 60,000 विचार आते हैं, इसलिए दिमाग में आने वाली हर विचार की निगरानी करना बहुत मुश्किल है। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज़्यादा ला सकते हैं। वो हैं अपने भावनाओं पर नज़र डालकर। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। दो तरह की भावनाएं हम महसूस करते हैं, अच्छी या बुरी। बुरी भावनाएं और भी बुरे विचार मन में लाती हैं और फिर ऐसे ही बुरी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को मन में लाती हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने भावनाओं को बदलें और अपना ध्यान अच्छी बातों और घटनाओं की ओर लेके जाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और ब्रह्मांड की ओर एक अच्छी फ्रिक्वेंसी जाएगी। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट। रहस्य का प्रयोग करें कैसे। ब्रह्मांड के रहस्य को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए लेखिका ने 3 टिप्स बताए हैं। पहला, आस्क, मांगिए। दूसरा, बिलीव, यकीन करना। तीसरा, रिसीव, पाना। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। स्टेप 1, आस्क, मांगना। सबसे पहले इस ब्रह्मांड से आपको जो भी चाहिए वह मांग लें। ब्रह्मांड हमें हमेशा ही देता रहता है। इसके पास धन दौलत, वैभव, खजाने, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सियां आदि सब कुछ हैं। आपको जो चाहिए से मांग लीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड का ही एक अंग हैं और यह सब कुछ आपका है। अगर वास्तव में आप कोई चीज चाहते हैं तो पहले आपको उसको स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए तो ब्रह्मांड मनचाही चीज आपको नहीं दे सकती। इसलिए शांत होकर बैठ जाएं और एक कागज पर अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट रूप से लिख दें। सही विचार की फ्रिक्वेंसी आपको सही चीज देगी। इसलिए अपनी मनचाही चीज को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से मांग लें। जैसे आप मेन्यू कार्ड देखते हैं और अपनी मनचाही चीज ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही अपनी पसंद की चीजों को इस ब्रह्मांड को बता दें। दूसरा स्टेप, बिलीव। इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट के ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप मन से सोचोगे कि यह सब बकवास है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वह आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर से भी खुशी को आकर्षित करेंगे। जब आपने अपनी मनचाही चीज ब्रह्मांड से मांग ली है तो उस पर यकीन करें कि वह आपको मिल चुकी है। इस बात पर विश्वास रखें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज
पहले से आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत करने में जुट जाता है। ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी मनचाही चीज अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज को ना मिलने को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको यकीन करना है कि आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है और उससे जुड़ी हुई विचार की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेज देते हैं, जिससे फिर उससे जुड़ी घटनाएं होने लगती हैं। वो चीज आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगी। तीसरा स्टेप, रिसीव। इसके बाद आप खुद को तैयार करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जो आप मांगोगे। लेकिन कभी भी मन में अविश्वास ना लाएं, शक और संदेह ना पालें, और लगातार लगभग 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहें, उसे पूरा होते हुए देखते रहें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। जो चीज आपने मांगी है उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उसके बारे में सोचिए। उन सारी भावनाओं को अपने पूरे मन से महसूस करें। ब्रह्मांड भावनाओं से चलता है। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आप में विश्वास नहीं है कि आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। इसलिए अच्छी भावनाएं आपके मन में होना बहुत जरूरी है। उन एहसास को अपने मन में बार बार लाएं जब आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। तो ऐसा करें कैसे? सोचिए, आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें। उसे कैसे सजाएंगे, उसकी हर चीज की लिस्ट बनाएं। या फिर आपको कोई कार चाहिए तो उसकी टेस्ट ड्राइविंग पर जाएं। आपकी मांगी हुई चीज से जुड़ी हुई एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें। ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़ी हर काम को कर रहे हैं। चलिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का अपना एक घर है। भले ही आपको अभी तक अपना खुद का घर नहीं मिला हो, लेकिन आप उसे इस तरह से देख लीजिए और उसको एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी चीज मांगी है वो आपको आज नहीं तो कल 100% जरूर मिल जाएगी। आप अपने भीतर से आत्मविश्वास को निकाल कर ब्रह्मांड को ये मैसेज देते रहिए कि आप अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। जब आपको लगने लगे कि आपके द्वारा मांगी हुई चीज आपको मिल रही है, तो इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और अब आपके साथ वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार करके वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। चाहे आपकी वर्तमान की स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो आपकी स्थिति बदलने लगेंगी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते, इसलिए वैसे ही चीजें उनकी ओर आकर्षित होती हैं। जैसे आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी कर्ज और बढ़ती जाएगी। आप उन चीजों की उम्मीदें करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीजों की जो आप नहीं चाहते। अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छित वस्तु और जीवन की ओर लगाएं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उससे आपके जीवन में खींच लाती है। कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने विचार पर सही नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। पहला, प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और सोच बदलने लगती है। जब आप उन चीजों के बारे में कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास हैं, तो उन चीजों को जल्दी ही आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में कृतज्ञ रहने की आदत होती है।
वो हर छोटी छोटी चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं। नकारात्मक भावना जैसे असंतुष्टि, ईर्ष्या, द्वेष कभी आपको वो चीज नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को नकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजती है। इसलिए धन्यवाद देने की आदत अपनाएं और हर छोटी छोटी चीज की खुशी बनाएं। ये और ज्यादा अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। दूसरा, विजुअलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हम उन चीजों की तस्वीरें मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं, फिर वैसी ही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के पास जाती हैं। इसलिए यह बहुत सशक्त प्रक्रिया है और इसे कई सफल लोग करते हैं। कोई भी चीज दो बार बनती है, पहली बार मन में और दूसरी बार हकीकत में। जितने भी खोज या टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, उसकी तस्वीर पहले मन में आई थी, फिर उसने हकीकत का रूप लिया। राइट ब्रदर की हवाई जहाज की खोज, एडिशन की बिजली का बल्ब बनाना, ये सब पहले मन में उन्होंने तस्वीर बना ली थी और उसके बाद उसको एक रूप दे दिया। फिर बाद में ब्रह्मांड की शक्ति ने उसे हकीकत में बदल दिया। इसलिए आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, उसे अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे कि फिर ब्रह्मांड आपको वो सचमुच दे देगा। इसलिए जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, उसे अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे फिर ब्रह्मांड आपको वो सचमुच में दे देगा। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल देते हैं। ब्रह्मांड आपकी हर एक बात सुनता है। जब आप पैसा को बुरा बताते हैं तो ब्रह्मांड इसे नोट कर लेता है, फिर वह आपको उस बुरी चीज को कभी आपकी तरफ नहीं भेजता, क्योंकि वह तो आपकी रक्षा करता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है, लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। इसके बाद यह सोचिए कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप बहुत ज्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकोगे। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो, या फिर आप गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीजों से जोड़िए, तभी ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ पैसा भेजेगा। इसके बाद रोज हर दिन सोने से पहले आप ब्रह्मांड से कहिए कि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, जिससे आप खूब सारी चैरिटी कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। आपको बहुत बड़े बंगले और गाड़ियां चाहिए। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर में लिख लें और रोज उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। इससे ब्रह्मांड आपकी पैसे के बारे में पॉजिटिव बातें सुनेगा और आपकी तरफ पैसा ही भेजेगा। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पैसा चाहते हैं तो पैसों के बारे में सोचिए और सब अच्छा अच्छा सोचिए। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती हैं, या उन लड़कियों में से हैं जिनके अनुसार लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर यही विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़की या लड़के से नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि आपने खुद उसे यह सिग्नल दिया है कि लड़के और लड़कियां बुरे होते हैं। इससे वह आपको बुरे पार्टनर से मिलवा देगा, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीजों पर है। इसलिए आपको हमेशा अपना नेगेटिव सोचना बंद करना होगा। अगर 5-10% लड़के लड़कियां बुरे होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे लड़के लड़कियों को बुरा बोलना शुरू कर दें। हमें कभी भी चीजों को नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है। इसके विपरीत अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच भरें। रोज सोते समय इस ब्रह्मांड से कहें कि आपको एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, ट्रस्टवर्थी पार्टनर से मिलवाए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आपको आपकी मनपसंद पार्टनर से मिलवा देगा। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। कभी भी मन में किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता ना पालें। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं कि वह यह खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बाहर घूमने से कहीं ठंड ना लग जाए। सावधानी बरतना एक बात है, लेकिन 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंता करते रहना ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों को तो जरा से कहीं दर्द होता है तो वे सोचने लगते हैं कि कहीं उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई कैंसर तो नहीं हो गया है। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड बीमारी शब्द को पकड़ लेता है और फिर वह ब्रह्मांड से सचमुच उस बीमारी को आपकी तरफ खींच के लेके आ जाता है और आपको वह बीमारी सच में हो जाती है। इसलिए
कभी भी किसी बीमारी की बेवजह चिंता ना पालें। शक और वहम से हमेशा दूर रहें। इसकी बजाय आप अपने आप से ये बोलें कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझ में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऐसा बोलना ही नहीं है बल्कि सोचना भी है। जरा सा भी संदेह करोगे तो यूनिवर्स आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और वह उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही यूनिवर्स की ओर भेजें, इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो आप हर दिन बार बार यह बोलें कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। साथ ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करें कि वह आपको स्वस्थ करता जा रहा है। लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ बोलें। कभी भी यह ना बोलें कि शायद अब मैं ठीक हो पाऊंगा या मुझ पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है। आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, उनमें से कुछ ठीक हो रही होती हैं, लेकिन उस समय आपको पता नहीं चलता। जैसे सागर में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह दवाई काम कर रही होती है लेकिन समय लगता है। उस समय हमेशा पॉजिटिव बातें बोलें, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं? अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। चैप्टर 9, द सीक्रेट टू यू। हर रात सोने से पहले यह वाक्य जरूर बोलें, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूं, आज उसने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है। सूर्य की रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसलिए मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। आज तक मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उनके लिए खुद को माफ करता हूं। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूं। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा हूं। मैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा धनवान होता जाऊंगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, वो है देना। दोस्तों, यह पॉजिटिव अफर्मेशंस करने के साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता के लिए प्रोग्राम कर दोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा और समय के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, तो यह थी द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह समरी बहुत ही पसंद आई होगी। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन सारी बताई हुई चीजों को अपने लाइफ में अमल करना है। और हाँ, एक चीज और बहुत जरूरी बात है, आपको जो भी चीजें इस किताब में बताई गई हैं, डेफिनेटली वो बिल्कुल सही हैं, वो काम करेंगी। आपको पूरा विश्वास उनके ऊपर करना होगा। लेकिन साथ साथ जब आपका माइंड आपको ऐसे आइडियाज देगा तो उन आइडियाज के ऊपर काम भी करना होगा। आप खाली बैठे बैठे ये सोचें कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो वो नामुमकिन है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।